ना पानी नहीं, पीने को नहीं, ना संडास नहीं, ना रोड नहीं। डालो डालो करके हमारा मोदी को खपा गया, कांग्रेस वालों को जिता के लाया। क्या करे, अब दो महीने तीन महीने हुआ इलेक्शन के समय क्या बोले, बैठा करे पानी का देते बोले, अब पानी 15 दिन में कोई झाक को नहीं देख रहा है। संडास का पानी भर के गया सामने, नल का पानी कहाँ पीना। आप देखे तो बच्चों का फ्यूचर पूरा खराब हो रहा है, देखो पानी भरते भरते। सिर्फ सर्वे करके जा रहे, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू मतलब पेंडिंग ही पड़ रहा है काम। आने वाले हाथ जोड़े पंपड़े, पानी लाते, नल घर को लाते, लाइट बिल फ्री बोल रहे। अब लाइट बिल This video presented by Manur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. ना पानी नहीं, पीने को नहीं, ना संडास नहीं, ना रोड नहीं। डालो डालो करके हमारा मोदी को खपा गया, कांग्रेस वालों को जिता के लाया। क्या करे, अब दो महीने तीन महीने हुआ, पानी पीने का पानी नहीं है, मुसीबत बोरिंग का भी नहीं है। क्या पीना, कहाँ से ला रहे, फिल्टर पानी पी रहे, कहाँ से लाना, नाली का पानी कपड़े धो रहे। 10-20 साल से उन्हें आया, जीत के गया, हौरे खाया, हाथ पाँव पड़ के जाते उनका घर उनमें। आने वाले हाथ जोड़े पंपड़े, पानी लाते, नल घर को लाते, लाइट बिल फ्री बोल रहे। अब लाइट बिल मांगने वाले को आके मारते हम। मरना अच्छा मारे नहीं क्या, बेंगलुरु पकड़ के लाइट बिल मांगने को आने वाले को मार रहे ना, देख रहे ना, ये किस काम है हमारा, दूसरा क्या भी नहीं है। कितना 20 साल से वो संडास का पानी भर के गया सामने, नल का पानी कहाँ पीना, रोड के उधर पानी है, इधर क्या पीना, ये पूरा एरिया तो क्या, तो हमारे को चावल तो फ्री देता था, अब क्या अभी नहीं है। मेन हमारा पानी संडास वो लाइट का, ये है तीन प्रॉब्लम है, देखो अनुसार कटे कर दे। हाँ हमारे महिला के अंदर पानी नहीं है, 15-20 रोज हुआ बोरिंग बंद हो को, इलेक्शन के समय क्या बोले, वैदा करे पानी का देते बोले, अब पानी 15 दिन में कोई झाक को नहीं देख रहा है यहाँ पे। अब कहाँ भी जाना अभी पानी लाने, हमारे को बोरिंग सीधी करा, और एक बोरिंग यहाँ खोदने लगे तो भी कम है हमारे महिले में, ना नल है ना कुछ नहीं, क्या नहीं। 20 साल तकरीबन 20 साल पहले से अब तक है, बच्चों को स्कूल चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, मम को ला रहे पानी 4 घड़े, कभी देते हैं कभी नहीं देते। हम लोगों को पानी की तकलीफ है, हर चीज़ से तकलीफ है, देखे तो लोगों का प्रॉब्लम है, और पानी की प्रॉब्लम। अब देखे तो बच्चों का फ्यूचर पूरा खराब हो रहा है, देखो पानी भरते भरते। पानी के वास्ते 20 साल से पानी नहीं है इधर, क्या करना क्या नहीं, बोरिंग का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। हाँ सब गरीब लोग को कौन देखते, क्या नहीं, वोट लेते टाइम को पावा पड़ते आते, बाद में निकल को जाते। ಬೋರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬಾಳ ಸಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆ ಮಾಡಲಾಗಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಕ್ಕು ತ್ರಾಸ ಆತಿಲ್ಲ, ಮೇರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏರಸ್, ನೀವು ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಾವತ್ನಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ, ಒಂದ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ ಒಳ್ಳೆ 10 ತರ್ಸ್ ಐತ್ರಿ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬರ್ರಿ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೈಟ್ ನಕೊ ಸಿರಿ ಪಾನಿ ಬಹು ತಕ್ಲೀಫ್ ಹಮ್ ಪಾನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಹೋನಾ ದೇಖೋ ಪಹಲೆ ಕಚರೆ ಸಾಫ್ ಕರ್ನಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಪಾನಿ ಲೋಕೊಂಕೆ ಘರ ಘರ ಫಿರ್ಕೆ ಪಾನಿ ಲಾತಿ ಸರಿ ನೀ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಚಲ್ ರೀ ಮೇರೆ ದೋ ಜಾಗೆ ಬೋರಿಂಗ ಡಾಲೆ ತೋ ಪಾನಿ ನಹೀಂ ಆ ರಹಾ ಅಭಿ ಭೀ ದೋ ಬೋರಿಂಗ ಯಹಾಂ ಏಕ್ ಡಾಲಿ ಯಹಾಂ ಏಕ್ ಡಾಲಿ ನಹೀಂ ಆ ರಹಾ ಪಾನಿ ಮೇರೆ ಕೋ पानी होना जरूरी है, नल्ला नल्ला होना। मेरे घर में पोतरी दीवानी है, मुक्की है, बेटी दीवानी है, मुक्की है, या तो बोल किसको बोलता, और मैं आओगा तो आपको क्या आता। मैं रेसिडेंट ऑफ भरत नगर तांडा नियर जकेरिया मस्जिद वार्ड नंबर 33, और हमारे को पानी का बहुत प्रॉब्लम है, और ये धूप के टाइम पे पूरे बोरवेल फेल हो गए, और टैंकर का भी पानी नहीं भेजे, ना मीठा पानी का तो पता ही नहीं है, कितने सालों से बोल रहे हर कोई, और कौन सा भी लीडर आके नहीं बोल रहा हमारे को, कौन सा लीडर आता नहीं, पूछता नहीं पानी है क्या नहीं है, ना कोई आके पूछता, ना कोई हमारे को पानी देता, ना पानी मीठा पानी की सहूलत करता, तब तक बोलते जाना यही बात। हम बोरवेल बोरवेल फेल हमारा, इधर जितने भी बोरवेल MRMC के सामने पानी आता, उधर पानी आता JDA के टाइम, JDA के पास पूरा पानी है, JDA के पास मीठा पानी है, ये एरिया में पानी नहीं है, कम से कम यहाँ 400 वोट है यहाँ से, हमारे को पानी का कैसा तो बंदोबस्त करो, घर का टैक्स का बंदोबस्त करो, और लाइट बिल पूरा आधे को आधा फ्री करो। मेरा इतना ही कहना है, मैं रेजिडेंट हूँ, जो भी क्वेश्चन है मेरे से पूछे, मैं एनी टाइम मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। पानी की बहुत तकलीफ है, हम कहाँ कहाँ गली गली खड़े लेकर फिर रही, हमारे को पानी नहीं है, पानी की जरूरत बहुत है, आप 15 दिन हो गए हमारे घरों में खतरा पानी नहीं है, किसका लेके जा रहे हैं तो 4 घड़े दिए, 2 घड़े दिए, ये चल रहा, ना मीठा है ना खारा है। देखो गली में क्या पानी नहीं है,
क्या कचरा डालने का एक ये डब्बा नहीं है। हाँ मेरा भैया कैसा करना है? हाँ सर यहाँ पे ना पानी का पाइपलाइन के लिए नए वो 10 दफा हर बार 10 दफा आगे सर्वे कर लेके जाते सर, वो काम पेंडिंग ही पड़ रहा है, आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और सर यहाँ पे ना बारिश का पानी आया समझो, इतने दिन तो हम घुटने तक ये कीचड़ में रहते थे, एक टाइम पे आके हमारे एक्स कॉर्पोरेटर आके पूरा रोड बिल्ड और ये जो डाइनिस लाइनिंग थे सब फैसिलिटी करके दिए उसे। उनका जब टर्म था वो टाइम तक जितना उनसे हो सकता था 4-5 बोरवेल डाल के दिए, उसमें से अंडरग्राउंड वाटर कितने दे रहेंगे सर, दुपकाले में पूरा सूख जाता पानी तो आता नहीं, थोड़ा ज़्यादा सबको सफिशेंट नहीं होता हो। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 200 मीटर दूर एक टाकी है, वो टाकी से कलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है सर, सिर्फ सर्वे करके जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू मतलब पेंडिंग ही पड़ रहा है वो काम। मेरा नाम रमानंद उपाध्याय, एक्स कॉरपोरेटर, मैं वार्ड नंबर 45 से कॉरपोरेटर था यही एरिया से। अब जो है ना नया वार्ड एक्सटेंशन होने से अब वार्ड जो है ना 33 वार्ड हो गया सो है। यहाँ पर लगभग 30-35 साल से लोग जो है ना यहाँ पर घरा बन के है। करीब 20 साल पहले जो है ना ये एरिया को पानी आता था, आने के बाद मैं भी जो है ना वहाँ के कमिश्नर तो हमारे कॉरपोरेशन के वो उस वक्त में कॉरपोरेटर था, उस वक्त क्या कर रहे थे बोल तो पानी का दिक्कत हो रहा था। ये डीसी टैंक जो है पानी का, डीसी टैंक से जो है ना पानी जो या ये एरिया को जो आता था, तो अब पॉपुलेशन वो ज़माने के हिसाब से जो है ना पानी के टैंक बनाए थे। तो अब ये जो टैंक वैसा बनाने से मैं बहुत ही कोशिश करने के बाद अब एरिया का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किस चीज़ कैसा करना बोल के बहुत इंजीनियरों से बात करा, डबली से बात करा, कमिश्नर साहब से भी बात करा, वाटर बोर्ड वाले से भी बात करा। बात करने के अंदर मसला क्या निकाल के बोले तो नहीं जी, वो पुराने जो है ना पहले जो पानी की जो टैंक थी वो हिसाब से जो करे थे उसको जैसे उधर पानी कम आ रहा बोल के बोले। बोलने के बाद हम क्या करें, फिर हमारे नेक्स्ट प्रोसेसर में क्या करें हम लोग, ये हमारा जानवरों का दवाखाना है वेटरनरी हॉस्पिटल, वहाँ पर जो है ना 5 लाख लीटर का जो है ना पानी का टैंक मैं कॉरपोरेटर रहे जब वो एक बनाया था। अब ये पास में ही साई नगर बोल के गार्डन है, वहाँ पर एक जो है ना 5 लाख लीटर का जो है ना पानी का टैंक मेरे पीरियड में ही बनाया था। बनाने के बाद एक 70-80 लाख रुपये जो है ना ये एरिया को जो पाइपलाइन करना था वो टेंडर के लिए चले गया, उतने में हम लोगों का पीरियड जो है ना ख़त्म हो गया। अब ये जो एरिया है ना लुकमान कॉलेज के पास इधर, जैसा कि अंबेडकर कॉलेज है वो कॉलेज से इधर MRMC और फार्मेसी के सामने जो एरिया आता है, ये एरिया जो है ना पर्टिकुलर नॉर्थ को आता है। तो मैडम भी इलेक्शन में आए, बातचीत करें, पानी यहाँ का लोग जो हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, हर पार्टी में रहते हैं, रहने के बावजूद भी ये एरिया उनको टोटली जहन में नहीं है, यहाँ के लोग कैसा रह रहे, किस तरह से जी रहे, ये टोटली उनको समझ में नहीं आ रहा। इलेक्शन के टाइम पर आके सर सब पार्टी के लोग आके जो है ना वोट दो, हम करते बोल के ले। मैडम 5 साल हो गया जीत के, एक दिन भी जो है ना एरिया को नहीं आया। सर जिस तरीके से आसपास के एरिया में मतलब नलंग के पाइप है, इस एरिया में कई कुछ मतलब पानी का प्रॉब्लम है, या पाइपलाइन नहीं हुई है, या पाइपलाइन हुई है तो पानी नहीं आ रहा है जी। पहले जो है ना पाइपलाइन LNT वाले जो है ना पाइपलाइन करके चले गए, वो जो है ना पुराना टैंक जो DC जगत में जो है ना वोल्ट DC ऑफिस का जो टैंक है ना उसका जो है ना वो 24 आवर्स पहले पानी आता था। 24 आवर्स पानी आने से जैसे कि गाजीपुर हो, जगत हो, ये चीज़ों में जो है ना 24 आवर्स पहले पानी नहीं था। बीच में 13 वार्डों को जो है ना 24x7 जो पानी करने की वजह से वो जो डीसी टैंक है वो 50% टैंक जो है ना जो 24x7 वालों को पानी स्टॉक रख रहे हैं, खाली 50% पानी जो है ना एरिया को छोड़ने से इधर पानी नहीं आ रहा। तो अब तक एक्शन लेने के बाद भी काम नहीं कर रहा? एक्शन भी हम लोग लिए, जाके जो है ना जो वाटर बोर्ड ऑफिस जो था उसको जाके हम ताला भी डाले, स्ट्राइक भी करे। स्ट्राइक करने के बाद जो है ना वो 2 पानी के टैंक जो है ना बने हुए 5-5 लीटर के, एक साई नगर में, एक जो है ना जानवर का दवाखाना वेटरनरी हॉस्पिटल बोलते हैं वहाँ पर रेडी है। ऑलरेडी उनका पाइपलाइन कनेक्शन भी हो गया है, जो अब बड़े बड़े जब जो हमारे हाथ से जो कॉरपोरेटर थे हमारे से जितना फंड लेके काम करना था उतना हम लोग काम किए सो है। बाकी का जो है बोले तो जैसे कि अब MLA MP जो उनको फंड ज़्यादा रहता है, हम लोगों को कॉरपोरेटर के हिसाब से यहाँ पर रोड था, ड्रेनेज, यूजरी वगैरह, जो यहाँ के जो लोग जो है ना पूरा यूजरी करने के लिए बाहर जाते थे, टॉयलेट करना, ये वो करना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। और पानी का भी प्रॉब्लम जो है ना, बारिश के बारिश आए तो भी लोगों के घरों में बारिश घुसता था,
कि ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम था, वो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। पानी का प्रॉब्लम जो है ना टोटली नहीं आ रहा सर। जिस तरीके से यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, कर वो खाने वाले, उनको पानी अगर पीना है तो कैसा, मतलब ये अब तो फिलहाल जो है ना बोरेल जो है ना यहाँ पर मेरे टाइम पे जो था, मैं टोटल यहाँ पर 4-5 बोरेल मारा सा। तो जो है गरीब गौर जो है ना कर खाने के जाने से बाप उनके बच्चे भी जो है ना पढ़ाई उनकी सही नहीं हो रही, या तो उन्होंने सुबह में उठ के जो काम कर रहे हैं या करने जाना उन्होंने करके गए तो घर में जो है ना चूल्हा लगता है। इस वजह से जो है ना वो लीडरों के नज़र में टोटली जो है ना लोग नज़र नहीं आ रहे। तो आप इस मतलब कितने लोग यहाँ पे, मतलब कि ये कितनी गलियों का प्रॉब्लम है? देखो टोटल 800 घर है, 800 घरों को पानी नहीं आ रहा। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga.